माय डियर फ्रेंड्स, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गई। मैं दिखा रही हूँ कि यार मैं भी थोड़ा वॉक करती हूँ और ऐसे ऐसे जॉब कर लेती हूँ, मैं थोड़ा उछल भी लेती हूँ। तो आज थोड़ा सा टाइम निकाला अपना जॉगिंग के लिए और ये मुझे बहुत अच्छा टाइम लगता है। अभी जस्ट मुझे लग रहा 8-9 बजे और जैसे हल्की हल्की धूप होती है ना, चारों तरफ फैली होती है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तभी टाइम निकालना ऐसे फीलिंग महसूस करने के लिए तो बहुत ही अच्छा। और सनशाइन भी हम ले लेते हैं, धूप सेक लेते हैं हम लोग बाद में। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलता है टाइम, क्योंकि काम इतने होते हैं, अंदर ही रहती हूँ मैं, और एक सामने बैठ जाऊँ तो वो मुझसे होता नहीं है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा माध्यम है और बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है चारों तरफ। तो अभी मैं अपनी जॉगिंग करती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। देखो 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 ये क्या है, इसको तो पहचानते हैं हमारे उत्तराखंड का फेमस पिग। हेलो मेरे मित्रों, देखो मॉर्निंग वॉक तो हो गई है और अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज हन्नू की डिमांड थी कि मोम पकोड़े बनाना, तो मैं पकोड़े बना रही हूँ सुबह सुबह। और वैसे अभी कोशिश है मेरी कि मैं वो अपना फेस वॉश हम आज बनाएंगे दोस्तों। प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे 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 दोस्तों, आज फाइनली मैंने सोचा था तो वो सक्सेस हो गया यार, आप की वीडियो बनाऊंगी ही। बना रही हूँ दोस्तों, बना रही हूँ। एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। नहीं, ये डायलॉग कुछ और था। एक चुटकी की सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू, ये था। तो मैंने इसको थोड़ा सा पटल कर लूं, थोड़ी बातें करनी जल्दी होती है दोस्तों। और सबसे पहले जो मैं बोलना चाहती हूँ कि दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और सबने, जिन जिन दोस्तों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियो को देखा है, कमेंट किया है, जिसने नहीं भी किया है उनके लिए भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आगे प्यार देते रहिए दोस्तों, कृपा होगी आपकी। वही है सिंपल सोवर चीज ही हमारे साथ लॉन्ग टाइम तक रहती है दोस्तों। तो मैं बिलीव करती हूँ सिंपल से नहीं, तो ज़्यादा पकड़ नहीं करते हुए। और दोस्तों प्लीज मुझे बताना कि मैं ज़्यादा पकड़ तो नहीं करती, क्योंकि एक बार जब मैं शुरू हो जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँची। तो मुझे ये प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि मैं ज़्यादा पकड़ ज़्यादा बातें तो नहीं करती, ऑनेस्टली सच्चे मन से बताना। सो देखो, सो दिखाती हूँ मैं सबसे पहले उसमें ही मिलाएंगे। अच्छा पहले तो मैं बता दूं कि इसमें वो मिलाते हैं क्या, टी का ग्रीन टी होती है,
तो इसमें ग्रीन टी को मिलाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रीन टी को पीसना है। इसके अंदर जो भी पाउडर है दोस्तों, इसको पूरा बारीक पीस देना आप, ठीक है। ये बारीक होना चाहिए और इसको छान लेना, दोस्तों इसे छान लेना, क्यों, इसलिए कि ये थोड़ा वैसे होता है जैसे हमारे स्किन सॉफ्ट होती है ना, तो ये थोड़ा सख्त होता है, मतलब सख्त भी नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ की स्किन के लिए थोड़ा हार्ड होता है, इसको इसलिए पीसना है। बाकी बहुत सारे स्मॉल है, लेकिन लेकिन इसकी खास बात है कि इसको पीसना है बारीक में, तो इसमें मिलाना है हमारा बेसन। देखो जैसे था वैसे ही है, दो चम्मच बेसन मिलाना है और इसका कमाल, ये सारी नेचुरल चीजें हैं, ये सारी स्किन के लिए है, जो भी हमारी स्किन होती है ड्राई ऑयली मिक्स होती है किसी की नॉर्मल होती है, तो हमने दो स्पून बेसन मिला दिया और दो स्पून हमने मिलाने इसमें सैंडलवुड पाउडर। ये मेरे पास जितने जितने सामान मिलाने के मेरा भी खत्म हो गया है, तो इस बार मेरा भी बन जाएगा, तो मैंने दो चम्मच इसके नीम पाउडर, ये जिसके लिए दाने दूने होते हैं ना फेस पर, इसके फायदे क्या बता रहे, इतने इंटेलिजेंट है मेरे दोस्त, तो ये दो चम्मच ये हमने नीम पाउडर, कोई भी ले सकते हैं आप, सब नेचुरल। जब हम वो केमिकल वाला हमने देखा ही नहीं है उसको फेस वॉश में किस चीज से बना है वो दोस्तों, तो ये तो हम देख रहे हैं हमारे पास है, हमारे हाथों में हम बना रहे थे, इसका तो आनंद कुछ और है, और इसके बेनिफिट्स हाँ देखो ये पता नहीं काम कर रहा था, मतलब ये खत्म होने वाला है, मैंने लाना है इसमें। ये है दोस्तों मुल्तानी मिट्टी, लाएंगे मुल्तानी मिट्टी कितने चम्मच, दो चम्मच, ये मिला दिए हमने दो चम्मच, ये सारे अंदाजे, और इसमें मिलाएंगे हम, और दोस्तों इसमें मिलाएंगे हम ये जो क्या होता है, ये जो चाय बनाने वाला पाउडर होता है ना, मिल्क मेड पाउडर, ये मिल्क मेड पाउडर है, इसको मिला देना है दो चम्मच, ठीक है दोस्तों। और इसकी चुपली देखो कितना टैलेंट है मेरे पे, मैं किसी की भी चुपली बना लेती हूँ ऐसे देखो, तो दो चम्मच इसको मिला देंगे, है ना। मेरे दोस्त जानते हैं कि भी कोई दिखावा नहीं, कोई ऐसे रख दो बाउल में जैसे और रखो भैया अपना, तो मैं स्टाइल का है भैया, ऐसे दिखावा हमको नहीं आता है, तो तैयारी का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है दोस्त, है ना। मेरे दोस्त आम और हम सब आम, एक दिन सबने मिट्टी में ही मिल जाते हैं, तो सिंपल सिटी में जो पसंद आते हैं दोस्तों, और हम सब तो हम सबको सिंपल वे में ही रहना चाहिए, सिंपल सोवर, तो और ये है हमारा कॉफी के डब्बे में रखा हुआ दाल का
पाउडर, कौन सी दाल का? ये टैलेंट हम महिलाओं में ही होता है। डब्बा कोई भी हो लेकिन उसके अंदर हमको ही पता होता है क्या है। तो ये कॉफी का डब्बा, लेकिन इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर है मसूर की किसी भी दाल। बारीक पीसना अच्छा कर दो, बारीक में डाल देंगे हम 2 चम्मच। तो ये बन गया हमारा बहुत ही शुद्ध, क्या बोलूं, हाइजीनिक फेस वॉश। और एक बार फिर मैं उसे देखा, ऐसी कॉमेडी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मुझे देखने को मिलेगी, आपको सीख जाऊंगी धीरे धीरे। और ये हमने मिला दिया है ना, और ये अच्छे से मिक्स कर दिया। और इसको मैं अभी, इसको नहीं डाला है मैंने, क्योंकि इसको मैं बारीक पीसूंगी, फिर छानूंगी, फिर इसमें डालूंगी, और ये तब बन जाएगा मेरा। ये जो मैंने अभी मेरा इकरा बचा हुआ है, बाकी सारे यूज हो चुका है, तो ऐसे बन जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको यूज़ करना है, ज़्यादा पानी मत डालना, पहले थोड़ा सा पानी डालना है कटोरे में, फिर इसको पूरा मिक्स करके और 5 मिनट तक खूब अच्छे से अपना मसाज करो दोस्तों। और देखो इसके फायदे। और आप, हाँ, इसको पहले पहले आपको लगेगा कि अरे यार मैंने मतलब धोया है, क्योंकि जब तक हमको आदत तो होती है, जैसे फेस वॉश से धोते हैं, यूज करते हैं, तो पता क्या होता है, फेस वॉश से जल्दी आज नहीं कल नहीं लेकिन परसों जरूर, झुर्रियाँ तो खैर आनी ही है टाइम से, लेकिन किसी की समय से पहले आ जाती है। जैसे मेरी अभी आनी नहीं थी, लेकिन ये देखो बीच में मैसेजेस आते रहते हैं। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, जैसे मेरी भी नहीं आनी थी क्योंकि मैंने केयर की नहीं, मेरा भी बिजी शेड्यूल था अपना, स्कूल आना जाना, घर, ये वो, बहुत फास्ट लाइफ दोस्तों, क्या बताऊँ। उस बुलेट ट्रेन में इतनी फास्ट नहीं दौड़ती है जितनी मेरी लाइफ दौड़ी है। 16 साल हो गए और हमेशा मुझे कुछ ना कुछ करते रहना पसंद है, और इसी चक्कर में मेरी यहाँ पे है झुर्रियाँ, मतलब झुर्रियाँ भी ऐसे करती हुई मेरे को ऐसे करते कर सकते आती हैं, तो मेरे दोस्तों ये था आज का हमारा फेस वॉश। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, किस किस ने बनाया और कैसा लगा फर्स्ट एक्सपीरियंस अपना, किसी ने पहले यूज़ करा होगा इसको तो मुझे बताना। जो भी अगर आपके डाउट्स हो या कुछ भी प्रश्न हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताना मेरे दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। और इसकी, हाँ, एक बात बता दूँ कि रात को सोने से पहले इससे तो आप, इस फेस वॉश से तो आप कितनी बार भी मुंह धो लो, आपकी त्वचा ड्राई नहीं होगी। मॉइस्चराइजर जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो उसमें रहना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि ड्राई हो गई हमारी स्किन तो मतलब हमारा, हमने अच्छे से फेस वॉश कर लिया, नहीं, हमारी जो गंदगी है वो इससे अच्छे से, बहुत अच्छे से निकल जाती है, हमारा फेस फ्रेश फ्रेश फील करता है। और हमारा जो स्किन है वो मॉइस्चर उसमें बना रहता है। इसकी खास बात यह है जो मैंने महसूस की है, आपने क्या महसूस किया वो मुझे बताना, लेकिन मैं ये बता रही हूँ, इसीलिए इसका बेनिफिट यही होता है कि हमारा मॉइस्चर हमारे फेस में ही रहता है, उसको जाना नहीं चाहिए। और हाँ, अगर आपको लगे कि आपने इसको धोने के बाद, अगर आपको लगा कि
और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसको लगाने के बाद अगर आपको ऐसा लगा कि आपने मुंह तो धोया ही नहीं, तो आप रात को सोने से पहले अपना कोई भी फेस वॉश यूज कर लो, है ना। लेकिन अगर जब आप इसको आपने लगाना है, इसको यूज करना है, इसको देखना है कि ये कैसा है, तो एक महीने तक आप फेस वॉश सिर्फ एक बार ही यूज करेंगे, वो भी रात के टाइम पे, है ना दोस्तों। तो चलो, आप ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो, और प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को, जो भी वीडियो होती है उसको शेयर करें, अपने दोस्तों के लिए बोले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए, और प्लीज़ कमेंट्स लिखना ज़रूर, चाहे पसंद आए, चाहे आए चाहे नहीं आए, कमेंट ज़रूर लिखना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी दोस्त, और मुझे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से उम्मीद है कि वो जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट, जो भी है, जो भी प्रश्न है, वो ज़रूर लिखेंगे। मैं वेट कर रही हूँ दोस्तों, और एक बार फिर सभी मेरे दोस्तों को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, उन सब के लिए तहे दिल से धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। बाय दोस्तों, जल्दी मिलेंगे।